हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट टाइम जो हमने क्लास ली थी तब मैं आपको पार्लियामेंट पढ़ा रही थी। पार्लियामेंट पार्ट फोर से तक हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम इसे आगे बढ़ाते हुए पार्लियामेंट का पार्ट फिफ्थ देखेंगे। पार्लियामेंट के पार्ट फिफ्थ में हम बात करेंगे राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के संबंध में, उनकी नियुक्तियां, उनके कर्तव्य के संबंध में, और उनको उनको पद से हटाया जा सकता है, इस दौरान उनके क्या अधिकार होंगे, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे आज की क्लास में। तो आइए सबसे पहले इससे रिलेटेड दो आर्टिकल्स हम लोग देखते हैं। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 89 से। आर्टिकल 89 कंसर्न्स अबाउट द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। चेयरमैन तो कौन हो गया? सभापति। और डिप्टी चेयरमैन कौन हो गया? उपसभापति। काउंसिल ऑफ स्टेट्स किसे कहते हैं? राज्यसभा को। ठीक है, तो राज्यसभा का सभापति कौन होगा और उपसभापति कौन होगा? कौन बता रहा है? आर्टिकल 89। राज्यसभा का सभापति कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो राज्यसभा का सभापति कौन हुआ? भारत के उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। एक बात, अब उपसभापति कौन होगा? राज्यसभा अपने मेंबर्स में से ही, जो जो राज्यसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही किसी एक को एज अ डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा सिलेक्ट करेंगे, राज्यसभा के उपसभापति के रूप में उसका चयन करेंगे। तो डिप्टी चेयरमैन कौन होगा? एक मेंबर ही होगा, जो किसके द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा? सिलेक्टेड बाय राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा। एक बार वापस देख लो, राज्यसभा का सभापति होगा भारत के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, ये समझ में आती है बात। नेक्स्ट, राज्यसभा के जो उपसभापति यानी कि डिप्टी चेयरमैन कौन होगा? राज्यसभा खुद अपने मेंबर्स में से ही किसी भी व्यक्ति को उपसभापति के रूप में चुनेगी। क्लियर हो गई बात। फिर बात आती है, फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 90 की, जो बात करता है वैकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डिप्टी चेयरमैन। ये बात करता है ये जो उपसभापति है आपका डिप्टी चेयरमैन की वैकेशन के बारे में, रेजिग्नेशन ऑफ के बारे में, रिमूवल के बारे में, कि डिप्टी चेयरमैन का पद वैकेंट हो सकता है। तीन परिस्थितियां इस आर्टिकल में आपको बता रखी है कि कब उपसभापति का पद जो है वो वैकेंट माना जाएगा, यानी कि वो कब पद रिक्त माना जाएगा। तो एक एक ध्यान से देखें, जब उपसभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं रहेगा तब वह अपना पद रिक्त कर देगा। जब वो राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता तब वह अपना पद रिक्त कर देगा, ये सीट जो है ये वैकेंट मानी जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो उपसभापति के रूप में चुना गया है, आवश्यक ये है कि वो राज्यसभा का भी सदस्य हो, दिखा था अभी हमने पहले। ठीक है, जब वो राज्यसभा का सदस्य ही नहीं है तो अब वो उपसभापति भी नहीं रहेगा, उसका पद वैकेंट माना जाएगा, उसे अपने पद को रिक्त करना होगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है। नेक्स्ट बात करती है रेजिग्नेशन की। क्या वो व्यक्ति जो उपसभापति चुना गया है, जो सदस्य उपसभापति चुना गया है, क्या वो उपसभापति के पद से रेजिग्नेशन दे सकता है? यस, वो स्वेच्छा दे सकता है, वो पद को त्याग सकता है स्वेच्छा, लेकिन वो पद को त्यागेगा, किसको संबोधित करेगा अपने रेजिग्नेशन को? सभापति को। किसको एड्रेस करेगा? एड्रेस टू चेयरमैन। सभापति को संबोधित करते हुए वो अपने पद को त्याग सकता है, तो वो त्याग कर देगा। ठीक है, एक ये हो सकता है, ये क्लियर होगी बात। अब बात करते हैं रिमूवल की, कि क्या उपसभापति को यानी कि वाई जो डिप्टी चेयरमैन है आपका, क्या उपसभापति को उसके पद से हटाया भी जा सकता है? आंसर इज यस। कौन हटा सकता है? राज्यसभा। तो राज्यसभा उपसभापति को अपने जो भी हटाने का संकल्प पारित कर सकती है, प्रस्ताव पारित करके उसको उसके पद से हटा भी सकती है। तो कौन रिमूव कर सकता है? बाय राज्यसभा। राज्यसभा जो है वो उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव पारित करके
उसको हटा सकती है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना इस रिमूवल के संबंध में, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब कभी भी राज्यसभा उसको हटाना चाहती है तो संकल्प को पारित करने का जो आशय है, यानी कि संकल्प पारित करने से पहले कि भैया हम संकल्प लाने वाले हैं, ठीक है ना, तो इस संकल्प को पारित करने का जो आशय है कम से कम 14 दिन पूर्व इस आशय की सूचना उपसभापति को यानी कि डिप्टी चेयरमैन को दे देनी चाहिए, ठीक है ना। आप जब भी ये जो लेके आना चाहते हैं कि प्रस्ताव राज्यसभा लेकर आना चाहती है कि भाई नोटिस कहेंगे से, ठीक है ना, इसकी सूचना दे दे, ठीक है, तो जब भी राज्यसभा उपसभापति को उसके पद से हटाना चाहती है, संकल्प पारित करना चाहती है, तो उस संकल्प को पारित करने का जो आशय है उस आशय की सूचना 14 दिन पूर्व इसको उपसभापति को यानी कि डिप्टी चेयरमैन को दे देनी चाहिए। क्लियर हो गई बात। तो ये थे दोनों के संबंध में इंपॉर्टेंट दोनों आर्टिकल जो बात कर रहे हैं। फिर कुछ इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जब सभापति या उपसभापति का पद रिक्त हो तो उनके कर्तव्यों का वहन कौन करेगा, उनके कर्तव्यों का पालन कौन करेगा। देखिए जब सभापति का पद रिक्त हो या फिर जब सभापति कौन थे, उपराष्ट्रपति, या फिर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हो तो भी वो पद रिक्त हो जाता है माना जाएगा। तो जब सभापति जो है उनका पद रिक्त हो तो उनके स्थान पे कौन कौन काम करेगा, उनके कर्तव्यों का पालन कौन करेगा, उपसभापति। जब सभापति का पद रिक्त हो तो उनके कर्तव्यों का पालन कौन करेगा, उपसभापति। अब क्वेश्चन आता है कि जब उपसभापति का पद रिक्त हो तो कौन करेगा, तो फिर ऐसा व्यक्ति कार्य करेगा जो राष्ट्रपति द्वारा इस निमित्त, ये देखो, जो राष्ट्रपति द्वारा इस निमित्त इस पद पर रखा जाए, इस निमित्त राष्ट्रपति द्वारा इसका चयन किया जाए राज्यसभा के सदस्यों में से। तो अब देखिए दोबारा, जब सभापति का पद रिक्त हो तो उपसभापति कर्तव्यों का पालन करेगा सभापति के, ठीक है, और जब उपसभापति का पद रिक्त होता है यानी कि जब डिप्टी चेयरमैन की सीट वैकेंट होगी तो ऐसे स्थिति में वो व्यक्ति उपसभापति के कर्तव्यों का पालन करेगा जो राष्ट्रपति द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया जाए। एक बात हो गई। नेक्स्ट बात आती है कि राज्यसभा की बैठक में, अभी तो हम किसकी बात कर रहे हैं, पद के वैकेंट होने के संबंध में, अब हम बात करेंगे राज्यसभा की बैठक के संबंध में, ठीक है ना। तो ये कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने जरूरी है कि हमने कैसे किस संबंध में पढ़े इनको। राज्यसभा की बैठक में सभापति या उपसभापति की अनुपस्थित, इनके अनुपस्थित होने पर, तो जब राज्यसभा की कोई बैठक चल रही है और सभापति नहीं है तो उपसभापति क्या करेगा, सभापति के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। जब राज्यसभा की कोई मीटिंग चल रही है, कोई बैठक चल रही है, उस बैठक में अगर सभापति नहीं है तो ऐसे में उपसभापति जो होगा वो सभापति के रूप में उस बैठक में काम करेगा। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि अगर उपसभापति अनुपस्थित है तो क्या होगा, तो जब उपसभापति अनुपस्थित है तो राज्यसभा जो है अपनी प्रक्रिया के जो आधारित नियम है, राज्यसभा अपनी प्रक्रिया के आधारित नियमों द्वारा, राज्यसभा जो है जो भी आधारित नियम है उन रूल्स रेगुलेशंस के द्वारा राज्यसभा स्वयं जो है किसी व्यक्ति का चयन करेगी और वो व्यक्ति जो है वो उपसभापति के रूप में कार्य करेगा उस बैठक में, ठीक है। जब उपसभापति राज्यसभा की किसी बैठक में अनुपस्थित है तो राज्यसभा जो है अपने जो भी राज्यसभा की प्रक्रिया के जो नियम डिसाइडेड है उन रूल्स के अकॉर्डिंग किसी पर्सन का चयन करेगी, उसे सदस्य का चयन करेगी और वो सदस्य जो है वो उपसभापति के रूप में काम करेगा इस बैठक में। क्लियर हो गई बात। अब अगर मान लीजिए वो चुना गया सदस्य इस तरह से, जो इस व्यक्ति को चुना था, ये पर्सन फर्स्ट इस मेंबर को चुना था उपसभापति के रूप में बैठने के लिए इस बैठक में, अगर वो भी एब्सेंट है तो फिर राज्यसभा किसी दूसरे को चुनेगी। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट देखो, अब देखो ये तो हो गई दोनों पॉइंट्स के बारे में बात। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में है कि राज्यसभा में सभापति अथवा उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन होने पर क्या ये पीठासीन होंगे। क्वेश्चन आता है कि क्या ये अपने पद पर, देखो क्या ये पीठासीन होंगे भैया, कब, जब राज्यसभा में सभापति को हटाने का संकल्प चल रहा है। पहले हम सभापति के बारे में बात करते हैं। जब राज्यसभा में सभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन है, अभी चल रहा है, उस दौरान सभापति पीठासीन नहीं होगा, अपने पद पर वो पीठासीन नहीं होगा। दूसरी बात, जब उपसभापति को हटाने का संकल्प चल रहा है तो उपसभापति भी अपने पद पर पीठासीन नहीं होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि तो फिर कौन होगा, अगर सभापति को हटाने का चल रहा है तो उनके स्थान पर उपसभापति सभापति के रूप में पीठासीन हो जाएंगे,
और अगर उपसभापति को उठाने का संकल्प चल रहा है तो ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा उपसभापति के रूप में, जो कि वही राज्यसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, डिसाइड किया जाए, अपने में से वो किसी को डिसाइड कर लेते हैं कि अब आप उपसभापति के रूप में संचालन करिए कार्यवाही का। क्लियर हो गई बात। लास्ट बात आती है कि जब ये जो संकल्प चल रहा है, हटाने का जो संकल्प चल रहा है, हम सभापति की बात करते हैं, तो जब इस दौरान सभापति के क्या अधिकार होंगे कि भाई सभापति को, हम बात कर रहे हैं केवल चेयरमैन की, सभापति की, सभापति को जो है वो हटाने का संकल्प चल रहा है, इस दौरान क्या उसके कोई अधिकार होंगे राज्यसभा में? होंगे। वो क्या कर सकता है? वो बोल सकता है, प्लस वो कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। जब राज्यसभा की बैठक में, राज्यसभा में सभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन है, उस दौरान सभापति जो है वो बोल सकता है, ठीक है ना, अपनी बात कह सकता है और कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, ये तो दोनों उसको राइट है, लेकिन वो मत देने का उसको अधिकार नहीं होगा, राइट टू वोट उसको नहीं होगा। समझ आई बात? मत देने का अधिकार उसको नहीं होगा, वो सिर्फ बोल सकता है, ठीक है, उससे पूछा जाए वो अपनी बात रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसीडिंग्स जो है उनमें पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी कार्यवाही में भाग लेगा, लेकिन उसको मत देने का अधिकार यानी कि राइट टू वोट उसको नहीं होगा। क्लियर हो गई बात। तो आज हमने क्या देखा, सभापति और उपसभापति के बारे में, उनकी नियुक्ति के बारे में और उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी आपसे पूछे जाते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग, तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।